गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर होस्ट अरबाज नॉन एज इंडिया ऑन व्हील्स। एंड कैसे आप सभी लोग? तो आज मैं आ चुका हूँ वरना के अंदर एग्जॉस्ट का काम कराने के लिए। तो आज मैं खड़ा हूँ साइलेंसर गैराज कनाट प्लेस में। एग्जॉस्ट का काम होगा इसके अंदर। गाड़ी जस्ट पीछे खड़ी हुई, मैं आपको एक बारी गाड़ी दिखा देता हूँ, साउंड सुना देता हूँ और एग्जॉस्ट लगने के बाद में फिर मैं आपको साउंड सुनाऊंगा। आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बताना कि कैसी साउंड लग रही है, एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मैं पास करता रहूँगा वीडियो के। तो भाई देख लो, गाड़ी ये खड़ी अपनी वरना, और आज इसके कैलिबर जो है वो भी पेंट कराए थे हम लोगों ने रेड कलर के। तो ये भी कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। देखो ये रेड भी स्टॉक साउंड है जो गाड़ी के अंदर कंपनी से आती है, वो है। भाई आप लोगों ने साउंड देख ली गाड़ी की कैसी है, अभी स्टॉक है। अभी इसके अंदर जब एग्जॉस्ट का काम होगा ना, उसके बाद साउंड अब चेक करना कैसा होने वाला है। तो भाई मेरे सामने शॉप के ओनर साइलेंसर गैराज हरदीप भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। तो इनसे भाई यही काम करेंगे अपनी वरना के अंदर में। तो कौन सा एग्जॉस्ट लगा रहे हैं, बस थोड़ा मोटा मोटा समझा दो। मैं इनको रेनबो कलर में रिमस में डबल लगा के दे रहा हूँ। तो मतलब उसमें जो साउंड है वो जो आप मांग रहे हो साउंड वही आएगा साउंड। भैया एक चीज और बता दो वीडियो में, क्योंकि आप तो मुझे एक्सप्लेन कर ही चुके हो कि मतलब जो माइलेज है उसमें कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हम एग्जॉस्ट का काम करा रहे हैं तो माइलेज, मतलब अगर किसी गाड़ी की 20 है तो वो 5 या 6 की माइलेज आ जाएगी, ऐसा क्या है ये? आप ऐसा होता है, देखो इसमें ना सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि सेटअप आप कैसा बना रहे हो। ओके ना भैया, तो इसमें हम सेटअप ऐसा बना के दे रहा हूँ आपको मैं कि मैं आपका लास्ट का एंड कैन निकाल रहा हूँ, उसकी जगह डाल रहा हूँ वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट आपका, ठीक है। जो अगला काम है भैया उसमें ना आगे आपके 2 या 3 रेजोनेटर लगे हुए हैं, 2 रेजोनेटर लगे हुए हैं, उसमें मैं आपका एक कट करके उसमें स्ट्रेट पाइप डाल दूंगा, ठीक है ना। उसमें आपका एवरेज का ज्यादा इशू नहीं आएगा। अगर आपकी माइलेज 15 या 14 आ रही है तो वो एवरेज आपकी 12 के करीब हो जाएगी। मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर माइलेज का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आप वेल्वेट्रॉनिक लगा रहे हो ना, वेल्वेट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ का सिस्टम। जैसे आप ऑफ करेंगे तो माइलेज ज्यादा ड्रॉप करेगी ही नहीं है, वो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, और जैसे आप ऑन करोगे तो वो आपकी हार्डली 2 किलोमीटर पर, इससे ऊपर नहीं करेगी। भाई ये खड़ी अपनी वरना और ये रहा अपना साइलेंसर गैराज। बेसिकली यहाँ पे 2 हैं, एक साइलेंसर हाउस है और एक साइलेंसर गैराज। मैं साइलेंसर गैराज पे काम करा रहा हूँ क्योंकि प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट आ रहा है, और बाकी तो काम लेट सी जैसा होगा वो पता चल जाएगा आप लोगों को। एंड गाड़ी तो खैर देख ही रहे हो आप कैसी लग रही है। कुछ आप सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ बता देना। कोई ग्राफिक अगर बनवाना है ना गाड़ी पे, मैं सोच रहा हूँ पीछे कोई ग्राफिक बनवाने का। आप कुछ सैंपल वगैरह मुझे इंस्टाग्राम पे आप पिन कर सकते हैं, इंडिया ऑन व्हील्स यहाँ पे नेम आ रहा होगा इंस्टाग्राम पेज का। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए और कुछ सैंपल्स भेजिए, तो ट्राई करते हैं कुछ ग्राफिक बनवाने का इस पर। तो भाई ये वाला एग्जॉस्ट है जो मैं लगवा रहा हूँ, अभी देख लो ये इनबिल्ट टिप है इसके अंदर रेमस की, और ये रेमस का ही वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट है। देखो कुछ इस तरीके का इसका लुक है। कमेंट करके बताना भाई कैसा लग रहा है, और प्लीज़ लास्ट में ज़रूर बता देना कि साउंड वगैरह जब मैं सुनाऊंगा ना कैसा लग रहा है। तो भैया ने मुझे सजेस्ट किया ये वाली टिप, एक अलग से भी आता है ना भैया जिसमें सिंगल पाइप होता है और टिप लग जाती है उसमें। एक्चुअली क्या होता है उसमें सिंगल लगाने के बाद ना आपको थोड़ा सा पैसे की थोड़े से मतलब ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उसमें आपको अलग से आपको टिप लेनी पड़ती है। और बाकी ये वाला जो है ये इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है, ये जो निकला हुआ है ना देखो आप कैसे है स्टॉक, और ये रहा अपना जो लगेगा इसमें। भाई काम अभी भी चालू है, स्टिल टाइम लगता है ऐसे कामों में। जब भी आप आओ तो टाइम लेके आना, मेरी तरह मत आना बस एंड टाइम पे। टाइम देख लो अभी हो चुके हैं 6 बज रहे हैं, और यहाँ पे आएगी कुछ ऐसी लुक। A few moments later. भाई गाड़ी रेडी हो चुकी है जिसमें जिसके अंदर एग्जॉस्ट जो है पूरा लग चुका है। तो एग्जॉस्ट की जो प्लेसमेंट है वो आप देख ही रहे हैं, ये रही रेमस करके एग्जॉस्ट है, और मतलब गर्म तो नहीं हो गया पता नहीं तो साउंड सुनाते हैं इसकी। बाकी रिमोट इसका कुछ ऐसा ही है, देख लो इससे ऑन ऑफ हो जाएगा जो साउंड है ना, वो ऑन ऑफ होता रहेगा इससे। अभी दिखाता हूँ किस तरीके से। भैया एक बारी एक्सेलेरेट करना गाड़ी को, देखो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, काम सारा हो चुका है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एयरपोर्ट वाले हाईवे पे है, और अब हम ट्राई करेंगे कि अंदर बैठ के, मतलब ट्राई नहीं, अब हम फील करेंगे कि अंदर बैठ के कैसा साउंड आ रहा है गाड़ी का। वेल्वेट्रॉनिक मैंने ऑन कर दिया है, आप थोड़ा सा साउंड सुनो, फील करो, तभी आपको मजा आएगा। और शीशे मैंने थोड़े से ओपन किए हैं सो देट आपको साउंड का पता चलता रहेगा। वेल्वेट्रॉनिक ऑन है, अभी थोड़ा ट्रैफिक का भी साउंड आ रहा है ना, तो इस वजह से शायद
कैसी लग रही है, और इंस्टाग्राम पे रील्स देखने को मिलेगी आपको, इंडिया ऑन व्हील्स के नाम से आपको रील्स मिल जाएंगी, तो वहाँ पे लाइव अपडेट्स में डालता रहता हूँ, और इसकी बहुत प्यारी प्यारी रील्स मैं वहीं पे ही अपलोड करने वाला हूँ। बढ़िया, एकदम मस्त सही आ रहा है ना बेस एकदम, मतलब हाईवे भी नोट कर रहे हैं सब लोग बढ़िया अच्छे से, अलग ही मजा आ रहा है बिल्कुल। और एक अच्छी चीज पता है कि अभी ये भी बैठा हुआ मेरे साथ में, इसने भी नोट किया कि जो इसकी जो मतलब पावर है ना वो खुल गई है एकदम से, सेकंड गियर में भी जा रहा हूँ फील नहीं हो रहा सेकंड गियर में, मतलब इसको 80-90 लेके जा रहा हूँ बहुत आराम से। तो ड्रैग रेस करते हैं बहुत जल्दी और करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू। तो भाई मतलब रात के 9 बज रहे हैं अभी, जस्ट हम लोग घर पहुंचे हैं, हम मतलब मेरे भाई वगैरह भी पहुंच गए थे वहीं पे जहाँ पे मैं काम करा रहा था, घर वाले तो आप समझ ही सकते हो। तो एग्जॉस्ट का काम जो कंप्लीट हो चुका है और जितनी भी क्लिप्स मैं ऐड कर सकता था वो किए हैं, बाकी जो बाहर वाली क्लिप्स है ना जो दूसरी गाड़ी से शूट हो रही है वो मेरे भाइयों ने शूट की है, तो अभी मेरे फेस पे लाइट भी वही दिखा रहा है। हेलो हेलो गाइस, चाय पी लो। हां जी हां जी, कैसी लग रही थी साउंड तुम तो दूसरी गाड़ी में बैठे थे, और पब्लिक रिएक्शन भी जो था वो देखने लायक था, हमने कुछ नोट भी करा है, आप लोगों को भी दिखाएंगे एक बार, आप भी देखना। मैं तो यार पता होता है कि हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं ना खुद से और उसके अंदर हम बैठे हैं तो उस लेवल पे हमें फीलिंग नहीं आएगी, उस लेवल पे हमें साउंड नहीं समझ आएगा जितना बाहर वालों को समझ आता है। एग्जॉस्ट तो पीछे लगा हुआ है ना तो पीछे वालों को ज्यादा समझ आएगा, साइड वालों को समझ आएगा। और मैंने जब एक दो बार फ्लाई बाय दिया था तब कैसा रिस्पॉन्स था? एक नंबर था, देखने लायक था, और पब्लिक रिएक्शन एक नंबर था, वो भी देख रहे थे मुड़ मुड़ के क्या गया था। ये लोग एक्चुअली साइड में चले थे ना दूसरी गाड़ी में, तो ये लोग बाकी लोगों को नोटिस कर रहे थे कि उनका रिएक्शन क्या है। यार अच्छी बात है, आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसा लगा ये व्लॉग आपको, और एग्जॉस्ट नोट कैसा है। अब अपकमिंग रील्स वगैरह भी इस पर आपको दिख जाएंगे, एंड प्लस जो लोग न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगे, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इंडिया ऑन व्हील्स के नाम से। तो चलिए होप करता हूं व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। साइनिंग ऑफ, दिस इज इंडिया ऑन व्हील्स, बाय बाय।